गाइस ये हमारा लग रहा है अमृतसरी चना कॉम्बो। ये हमारी थाली पूरी बन चुकी है, ये अब सीधा टेबल पे जाके आप लोगों से मिलेंगे। थाली, कुलचा और पराठे। मुस्कुराता हुआ चेहरा और शरारती आँखें, तो इस तरह का उनको काफ़ी मेहनत हुई इसके पीछे। हाँ। तो आपको हम लोगों ने खाना दिखाया, बनते हुए दिखाया, खाने का स्वाद दिखाया और कहानी दिखाई। यहाँ पे कहानी इंपॉर्टेंट थी चोटी वाला की, जो हमने इनसे समझी, बहुत अच्छा लगा। लोग कैसे मतलब कुछ ऐसे बोलते हैं कि ऐसे करो क्या? हाँ, बोलते क्यों नहीं ऐसे करो, यूं करो, अब तो ऐसे करो, आजकल ये नया पोज आ गया। सो आई गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी और हरिद्वार फूड सीरीज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाके चेकआउट करिएगा। आज हम लोग आए हुए हैं ऋषिकेश में, बहुत सोना सा मौसम हुआ हुआ है, नवंबर का पहला हफ्ता चल रहा है जब ये वीडियो शूट हो रही है, और हम लोग हैं पीछे द लेजेंडरी चोटी वाला पे। ऋषिकेश में अगर आपको कोई चार जगहों पे आना ना, तो वो होगी चोटी वाला। आप लोगों ने इतना ज़्यादा रिकमेंड करा था कि भाई चोटी वाला पे आइए, खाइए और ये सब करिए। पीछे है मेरे चोटी वाला, आते हैं और वहाँ पर जो है ना, ये छोटी वाले जो पोज लगा हुआ है ना, लोग आके जाते हैं, इनकी फ़ोटो खींचते रहते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे वो क्या चीज़ है। यहाँ का खाना चेकआउट करेंगे और आपको लजीज चीज़ें दिखाएंगे। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपका फेवरेट खाना कौन सा है। आपको पंजाबी खाना पसंद है, गुजराती खाना, महाराष्ट्र का खाना, बंगाली खाना, कौन सा फेवरेट आपका खाना है? आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं छोटी वाले के लजीज जायके। हम लोग आपको लेके चलते हैं अंदर छोटी वाले के किचन में, और उनके स्पेशल पंजाबी थाली तो है ही, उसके अलावा भी कुछ हमारे पास स्पेशल आइटम्स इनकी अभी फ्रेश लॉन्च हुई है, वो आपको हम लोग मिलवाएंगे गौरव जी से। मास्क सॉरी जस्ट वो इतना मेल भाव ऐसे ही है ना, सैनिटाइजर लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हमारा आज मेन्यू में हम खा रहे हैं? आपकी स्पेशल थाली है आज मेन्यू कार्ड में, मैं आपको जो दिखा रहा हूं, खिला रहा हूं, एक अमृतसरी चना कुलचा है, एक हमारी स्पेशल थाली है, एक हमारे इस टाइम ट्रेंड में बेसिकली मूरथल के परांठे, बहुत स्पेशलाइज्ड। आप दिल्ली वालों को मूरथल के परांठे खिलाएंगे? बहुत बढ़िया लगते हैं। ठीक है, तो आइए, वही फ्लेवर आपको आज मैं यहाँ चेक कराऊंगा ऋषिकेश के अंदर। गंगा किनारे ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मूरथल में गंगा किनारे वाला वो नहीं है, हवा नहीं है, वो नहीं है। ठीक है गाइस, ये हमारा लग रहा है अमृतसरी चना कॉम्बो, एकदम आग निकलते हुए, धुआं निकलते हुए। आप जूम्ड इन में शॉट देखिए कितना क्रेजी लग रहा है, ये एकदम पंजाबी, प्योर पंजाबी फ्लेवर्स, बिल्कुल प्योर पंजाबी फ्लेवर्स। आप पंजाबी हैं? मैं पंजाबी हूं। आप, आपके वो बातों से ना, एकदम जो खाने के प्रति जो आपके प्यार है ना, जो आपकी बातों में झलक रहा है, उससे लग रहा है कि यू आर प्योर पंजाबी। यू नो पंजाबी सर, जितना पंजाबी इज लव फूड ना, उतना हो और कोई नहीं प्यार करता खाने को। अच्छा, यहाँ पे छोटी वाला जो जैसे ऋषिकेश से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें पंजाबी खाने इज मोर रेलेवेंट बेसिकली? नहीं, इट्स नॉट अबाउट पंजाबी कल्चर। अच्छा, बेसिकली जो हमारे बहुत सा कॉन्सेप्ट था, हाँ, जब उन्होंने ओपन किया था तो वो बहुत बेस से स्टार्ट किया था, अराउंड 60-70 इयर्स पहले, 65 या 68 इयर्स नियर अबाउट। अच्छा, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ये रखा था, बिकॉज दिस इज अ रिलीजियस स्पॉट, तो यहाँ पे हर कोई खाने के लिए आता था, ऑल ऑफ ओवर इंडिया यहाँ पे लोग आते थे, कल्चर आते थे, तो इतना फेमस है छोटी वाला। हाँ, ही प्रेफर्ड टू मेक समथिंग लाइक उनको जो ज्यादा पैलेट खा पाए, जो ओनली फूड उनको ओनली फूड मिले। तो आज से 60-65 साल पहले जब लोग यहाँ आते थे, तो उनको एटलीस्ट ट्रैवलिंग में 20-25 दिन लग जाते थे, इतनी दूर घर से दूर हमली खाने को मिस करना। तो बेसिकली एक वही ट्रेंड स्टार्ट किया था हमारे बॉस ने, वी हैव डिफरेंट रेंज ऑफ थालीज, लॉकडाउन के चक्कर में काफी शटडाउन कर रखी है। अभी देखो इम्पैक्ट क्या लॉकडाउन का पड़ा है, टूरिस्ट इतना इम्पैक्ट हो रखा है, धीरे धीरे रिज्यूम हो रहा है, अभी धीरे धीरे रिज्यूम हो रहा है। हमारी ट्रेडिशनल थाली हमने अंदर किया, हमारे पास बंगाली थाली डिफरेंट है, हमने साउथ इंडियन थाली अलग लगा रखी। मैं वही देख रहा था, दिस इज एक नया मेन्यू आपने लॉन्च किया, जब तक थिंग्स डोंट गेट बैक टू नॉर्मल, वही बेसिक मेन्यू। आई थिंक छोले तो हमारे डन हो गए, वो सीधा प्लेट में आएंगे, आप लोगों को छोलों से बाहर मिलवाते हैं। अब आपको तंदूरी पराठे दिखाते हैं इनके और कुलचे दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे छोटी वाला पे नॉन या नो गार्लिक रहता है या कैसे रहता है? सर दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जो कस्टमर को चाहिए। जैसे हम लोग ऑनियन गार्लिक रहते हैं, तो प्योरली विदाउट ऑनियन गार्लिक मिलेगा आपको। हम लोग अपना अभी हरिद्वार का शूट करके आ रहे हैं, लोगों को दिखाया भी था पूरी सीरीज में, वहाँ पे हरिद्वार में ऑलमोस्ट 99% स्टफ इज नॉन या नो गार्लिक। यू हैव बोथ, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। गाइस ये हमारे कुलचे लग चुके हैं, ये कौन सा है? परोठे, आलू के परोठे, प्याज के, और वो ये अमृतसरी कुलचे, अमृतसरी कुलचे। अच्छा, इस पे वो मारा हुआ है ऊपर, तेल मारा हुआ है, धनिया मारा हुआ है, इसको घी लगाने के बाद इसे करके। अच्छा चलिए, घी लगा दीजिए। भाई पंजाबी खाने में अगर घी नहीं है ना, तो वो पंजाबी खाना नहीं है। ठीक है जी,
ये लग गया, ये हमारा चला जाएगा उसके अंदर, थाली के अंदर। अच्छा जी, परफेक्ट, ये आ गया और ये थाली आ गई और ये गया हमारा कुलचा, ये बढ़िया हो गया। और ये हमारा परौंठा आ गया। चलो जी, एक डिश कंप्लीट हो गई, दूसरी डिश और तीसरी डिश, ये चीज़ है मेन भाई, ये आलू प्याज का पराठा है एकदम मूर्ता स्टाइल, तंदूर स्टाइल। ये पराठा जो है ना, आपको गंगा घाट किनारे की हवा के साथ मिलेगा, वो फ्रेशियस है भाई, उसके जितने मर्जी पैसे ले लो, वो आपको ऋषिकेश से बाहर नहीं मिलेगा। ये हमारी थाली पूरी बन चुकी है, ये अब सीधा टेबल पे जाके आप लोगों से मिलेंगे, थाली, कुलचा और पराठे। ठीक है जी, आ जाओ टेबल पे। मतलब तब से चल रहा है चाय 25 पैसे की। हाँ, ये इनका ओल्ड मेन्यू है, बहुत बहुत पुराना है, फेमस है। थाली 2 रुपये, हाँ थाली 2 रुपये की होती थी, बताओ वो टाइम भी भले होते थे, टाइम तब कोई कोरोना नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। गाइस पहले आप ये चेकआउट करिए, दिस ब्यूटीफुल थाली, पंजाबी थाली फ्रॉम द चोटी वाला, द ओरिजिनल चोटी वाला, राम झूला। पापड़ है, इसको साइड में रख देते हैं, सेम थाली इधर भी है। 2 लच्छे पराठे हैं, छोले हैं, दाल है, रायता है, सलाद है। सलाद में आप एक चीज़ ध्यान देखेंगे, प्याज मिसिंग है, नो अनियन नो गार्लिक वाली चीज़ रहती है। मिक्स वेज, पीस पुलाव, पनीर बटर मसाला, गुलाब जामुन, सिंपल। मात्र इसका प्राइस रहता है कुछ 250-300 रुपये के आसपास रहता है। और यहाँ पे हमारे साथ 3 ऑकवर्ड चेहरे हैं, जो अभी वीडियो के चक्कर में एकदम ऐसे ऑकवर्ड हो रखे हैं, वीडियो बन रहा है। तो अभी क्या, मैं तो हंसी मजाक से खाते रहूँगा और इन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग अपना खाते रहिए, अब अपना खाते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोगों से पूछेंगे कैसा लगा आपको खाना, एक थाली आप, ये 2 लोगों की थाली इधर, ये 2 लोगों की थाली इधर। ठीक है जी, हम लोग अभी फ़िलहाल आए हुए हैं ऋषिकेश में, और हम लोग आए हुए हैं नवंबर के पहले हफ्ते में भाई। यहाँ पे अभी 10 दिन पहले ये रीओपन हो गया, ये शॉप के जो आपको मैं शॉर्ट्स दिखा रहा हूँ ना, ये शॉप जो है इट्स अ, मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई भी ऋषिकेश आता है फूडी, चोटी वाला तो आता ही आता है, और शॉप अभी खाली पड़ी है, ये कोविड का इम्पैक्ट पड़ा है। नहीं अभी नहीं, अभी थाली जो है ना पंजाबी थाली है इनकी, और सारे जो एलिमेंट्स है ना, चने जो है आप देखें, चने का पीस देखिए कितना मोटा है, एकदम बढ़िया टेक्सचर है, और एकदम बढ़िया सा पका हुआ है, दाल जस्ट बहुत बढ़िया चीज़ है। एक मैं रायता भी बहुत प्योर, पनीर का पीस लेता हूँ, और यहाँ से लेते हैं हम लोग पराठा, उठाते हैं पनीर लेते हैं, ये गया इधर, और ये गोल्डन बाइट। राम झूले के बगल में चोटी वाला, अमेजिंग फूड, प्योर पंजाबी वाइब्स। दिल्ली से आ रहे हो, पंजाब से आ रहे हो, आपको लगेगा साथ में गंगा किनारे आ गए आप, और खाना वही पंजाब वाला है। इन लोगों से पूछते हैं, हाँ जी धीरज कैसा लगा, कुछ 2 चीज़ें बताओ जो सबसे अच्छी लगी। पनीर और छोले, पनीर और छोले। अभिषेक दाल मखनी बहुत, मैं बता रहा था ना, ये लोग अभी शर्मा रहे हैं कैमरा पे, शर्मा रहे हैं, इनको आदत नहीं है कैमरा की, हमें थोड़ी आदत होगी। तुम बताओ। दाल मखनी बहुत बढ़िया, मैंने वो टेस्ट करी और अच्छा। भी बहुत अच्छा है इसका। तो गाइज आप लोगों ने वो देखा थाली में क्या क्या चीज़ें थी, अब यहाँ पे हमारे पास और 2 चीज़ें आ गई हैं। ये जो है अमृतसरी कुलचे ऊपर से तिल डाल के, और छोले जिसको आपने बनते हुए देखा अदरक के लच्छों के साथ, और यहाँ पे प्याज है, ऑप्शनल है, आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, वरना अगर आप नो अनियन नो गार्लिक तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वो भी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे तंदूरी पराठे बढ़िया से आलू वाले, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, ओहो आलू प्याज वाले, इसके अंदर भी आलू प्याज, अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा। एक पीस हम लोगों ने पराठे का लिया यहाँ पे, एक पीस पराठे का, बट धीरज भाई कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, हो क्या रहा है यहाँ पे, व्हाट इज़ हैपनिंग, मैं बता रहा हूँ ना, ये थोड़े से शर्मा रहे, खुद ही मान लिए। तंदूरी पराठा मूर्थल स्टाइल, बटर, राम झूला घाट किनारे। इनका ना खाना पसंद आया, अच्छा आप लोग शर्माओ मत, शर्माओगे तो ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अभिषेक पे कैमरा मारा जाए, अमन पे कैमरा मारा जाए, जनता पूछना चाहती है कि तुम लोग कैमरा पे इतना ऐसे डर डर के क्यों रहते हो। आप लोग ये पराठा इन्जॉय करिए, हम लोगों को इसका स्वाद दिखाते हैं। जी जी, अमृतसरी कुलचा, लेट्स ओपन दिस, वाह मतलब सो
ब्यूटीफुल पंजाबी फ्लेवर्स। छोटी वाला ऋषिकेश। इन छोलों का दीवाना हो गया भाई मैं। आपने बंदे भी देखा, सिंपल सी प्रिपरेशन है बहुत। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। यहाँ पे आइए, पंजाबी खाना ज़रूर ऑर्डर करिए। इनके मेन्यू में और अलग अलग चीज़ें हैं, स्पेशल थाली यू कैन ऑर्डर, बट मेरे को ये जो छोले हैं ना, स्पेशल थाली वाले छोले थोड़े से ड्राई हैं। अमृतसरी चले कुलचे वाले छोले जो है ना, एकदम दिल्ली वाले स्वाद वाले। भाई क्या बोल रहे हैं और क्या बोल रहे थे। और देखते ही देखते ना, थोड़ी सी हम लोग आए थे रेस्टोरेंट में, 1 बजे आए थे, फिर रेस्टोरेंट खाली था। हम लोगों ने बोला रेस्टोरेंट खुला है कि नहीं खुला भाई बता दो। इतने मैनेजमेंट आई, मैनेजमेंट से बात हुई, उन्होंने बोला हाँ जी आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया ये जायके दिखाते हैं। और इतने थोड़ी सी भीड़ भी आ गई है। अब 2:30 बजने को आ रहे हैं, 1.5 घंटा हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। खाने पे खाना आ जा रहा है, खाने पे खाना खाई जा रहे हैं, और ये लोग शांत हो रखे हैं। कुछ बोलो भाई, बोलो। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, ट्राई करो ट्राई करो। मैं कभी ना खाने को ना पुजा से बोल देता हूँ, खाना ऐसे ऐसे लेके बैठा ये खाना। हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और एक ना आपको इसका रीज़न बताते हैं कि ये जो बाहर चोटी वाले जो बैठे हैं ना, वो क्यों बैठे हैं। क्योंकि मैंने फोटोज़ में देखा, लोगों ने बोला आप आके चोटी वाले के साथ फ़ोटो खिंचवाइए, खाना मत खाइए, फ़ोटो खिंचवाइए और फिर चले जाइए। तो ये चोटी वाला का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये बहुत यूनिक चीज़ है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, बट ये फ़ोटो खिंचवाने का क्या सीन है भाई, वो समझते हैं ज़रा। और जहाँ तक ये चोटी वाला को नाम रखने वाली बात है और ये मॉडल बाहर रखने वाली बात है, तो उसके पीछे कहानी ये है कि जब हमारे पापा बॉम्बे गए तो उन्होंने वो एयर इंडिया का एक महाराजा वाला लोगो है ना, एक एयर पहले होता था, तो वो उन्होंने दिमाग में उनके ऐसी भी चढ़ाई की जैसा कोई ये एक होना चाहिए ऐसा, जो जैसे भी कोई एक लोगो, एक लोगो होना चाहिए, हाँ पहचान बने, पहचान बने। हाँ तो उनके दिमाग में एक फूड से रिलेटेड एक ऐसे आदमी की पिक्चर आई जो राजघरानों में और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में जो महाराज लोग खाना बनाया करते थे, तो ऐसी पिक्चर आई। खाने में बाल ना गिरे तो बाल छेव रखते थे, छोटी हिंदू का सिंबल होता था, और जो खाना बनाने वाले महाराजा वो ऊपर का वस्त्र नहीं पहनते थे। हाँ। आज भी साउथ में जो खाना बनाने वाले लोग हैं महाराजा वो ऊपर का वस्त्र, जो मंदिरों में खाना बनाते हैं जो वो ऊपर का वस्त्र, पूजा का खाना बनाते हैं। हाँ जनेऊ वगैरह हिंदू का सिंबल है, तो ऐसे आदमी की पिक्चर उनके दिमाग में आई कि अंदर किचन के अंदर महाराज जी खाना बना रहे हैं, वो इमेज उनके दिमाग में। तो देहरादून में एक आर्टिस्ट है चित्र कुटीर के नाम से, अच्छा उनके पास गए, उनको समझाया कि भाई उनको ऐसी फोटो चाहिए, तो कई सारे बार उन्होंने पिक्चर बना के दिखाई। तो ये एक जैसे मुस्कुराता हुआ चेहरा और शरारती आँखें, तो इस तरह का उनको काफ़ी मेहनत हुई इसके पीछे। हाँ तो उनको लगा भाई ये जो है ठीक है, तो ये ठीक है। वो तब से चलते चलते उन्होंने प्रतीक चिन्ह बनाया और उसकी चोटी वोटी को देखते हुए इसका नाम चोटी वाला रखा गया। चोटी वाला रखा गया, अच्छा। कुछ दिन बाद उनके दिमाग में आया कि ऐसा एक किसी मोटे आदमी को मेकअप करके इस तरह चोटी वाला बनाकर उसको बाहर बैठाया जाए, तो एक लाइव जैसे मैकडी वगैरह का वो बाहर बैठा रहता है। हाँ मैकडॉनल्ड बाहर बैठते हैं। हाँ उस तरह का कोई एक लाइव वगैरह अगर हो तो ज़्यादा थोड़ा बच्चों को एंटरटेनमेंट भी होगा और अब भीड़ से अलग दिखते हो, फिर भीड़ से अलग दिखते हैं। तो वो चलते चलते उन्होंने उसको बिठाना शुरू किया मेकअप करके, एक मोटर से आदमी को पकड़ के लाए कहीं से और मेकअप करके बाहर बिठा दिया। पक्के बिजनेसमैन थे वो, पक्के बिजनेसमैन, आइडिया से भरे। विजन बहुत मतलब ग्रेट विजन था, मतलब लोग बहुत लोग रेस्टोरेंट शुरू करते हैं वो इसको सक्सेस करने के लिए उन्होंने हद से ज्यादा मेहनत करी। हाँ आप जैसे बता रहे हैं सिर्फ एक वो चोटी वाला कॉन्सेप्ट के लिए इतनी मेहनत करी, तो मैं सोच सकता हूँ बाकी चीजों में भी कितनी मेहनत करी। इसका इंपैक्ट मैं आज देखता हूँ, जैसे कोई 50 साल पहले अगर यहाँ कोई आया हुआ है, हाँ जी, और वो उस समय 7-8 साल का रहा होगा और 50 साल बाद दोबारा ऋषिकेश आ रहा है, तो उससे कहता जी मैं 50 साल पहले आया था, मैं 6 साल का बच्चा था उस समय, और मुझे ऋषिकेश की सिर्फ एक ही चीज याद है, चोटी वाला याद है सर। तो उस लाइव बिठाने वाले का एक
छाप रह जाती है, छाप 50 साल तक जिस आदमी के दिल दिल दिमाग में वो छाप बैठ गई, तो उससे बढ़िया एडवर्टाइजमेंट का जरिया नहीं हो सकता ये चीज, उसी से पॉपुलैरिटी बढ़ी। अब तो ऐसा हो गया, अब सब लोग फोटोज ही सब लोग जानते हैं सब हो रहा है। तो ये कहानी, पुराने लोग आते हैं वो लोग अपनी फोटो दिखाते हैं कि ये हम आए थे 30 साल पहले, ऐसी फोटो, ये हमारी फोटो देखो, जो ब्रांड चल जाता है इंडिया में तो डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा हो जाती है लोगों ने कहीं हमारे ब्रांड, पर ओरिजिनल आपका सिर्फ एक ही ऋषिकेश में, एक ही है हमारा, एक अक्रोसी के अंदर कार पार्किंग में है, वो हमने अभी खोला है 2013 में, और फर्दर हमारी प्लानिंग है और उसकी चेन बनाने की। चलो जी, ऑल द बेस्ट विशेस टू यू, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोगों को ये भी समझ आ गया कि भाई चोटी वाले के पीछे की कहानी क्या है। तो आपको हम लोगों ने खाना दिखाया, बनते हुए दिखाया, खाने का स्वाद दिखाया और कहानी दिखाई। यहाँ पे खाना तो हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे कहानी इंपॉर्टेंट थी चोटी वाले की, जो हमने इनसे समझी, बहुत अच्छा लगा। अब बाहर चल के बात करते हैं। मैंने इनकी मैनेजमेंट को स्पेशल रिक्वेस्ट करी, ये है इनकी स्पेशल पंजाबी थाली और ये है वो जो स्पेशल ब्रांड इमेज जो आपको बताया था ना, वो चीज़ है। तो अभी हम लोग इसको लेंगे, अब वेजी भाजी को लेंगे और चोटी वाला ब्रांड मार्क को लेंगे और एक फोटो खिंचवाएंगे। ये चीज़ दिल्ली से ऋषिकेश करने में आया, तो मतलब जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली चीज़, वो अब हो जाएगी। आई एम सो हैप्पी। आपको आदत होगी ये सारी चीज़ों की, 20 साल से करें? हाँ, 20 साल से। तो लोग कैसे मतलब कुछ ऐसे बोलते हैं कि ऐसे करो क्या? हाँ, बोलते क्यों नहीं, ऐसे करो, यूँ करो, अब तो ऐसे करो, आजकल ये नया पोज आ गया। चलिए भाई, सारा काम हो गया यहाँ पे, अब आपको ये मेन जायके दिखा दिया आपको, अब और बढ़िया बढ़िया जायके अगले वीडियोज में दिखाएंगे। यहाँ पे इनकी थाली जो है इनको वापस कर देते हैं। मज़ा आ गया जी आज छोटी वाला पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप जब अगली बार कहीं बाहर घूमने जाएंगे कोरोना काल के बाद कहाँ पे जाएंगे, और फेवरेट खाना कौन सा आपका, पंजाबी, बंगाली, राजस्थानी, महाराष्ट्री? मेरे हाथ में अभी पंजाबी थाली, तो मेरा फेवरेट खाना पंजाबी। मिनट मिनट में हमारे खाने बदलते हैं जी। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर। हाँ जी, ऐसे करो।